नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सेगमेंट लेजेंड्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की शौर्य गाथा। 18 वर्ष की एक युवती दोनों हाथों में तिरंगा लेकर तेजपुर असम से 42 किलोमीटर दूर कहपुर थाने पर तिरंगा फहराने निकले जुलूस के साथ निकली। साथ में और भी युवक युवतियां थे। तारीख थी 20 सितम्बर सन 1942। युवती का नाम था कनकलता बरुआ। बचपन में ही अनाथ हो चुकी कनकलता अपनी नानी के पास रहती थी और देशभक्ति के ललक उन्हें अपनी नानी और मामा से ही मिली थी। एक 18 वर्षीय युवती को देख बाकी क्रांतिकारियों को लगा कि शायद ये यहाँ तिरंगा ना फहरा पाए। इस पर कनकलता ने कहा, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। हम किसी से क्यों डरें, करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। थाना प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आया। कनकलता ने उसे हटने को कहा। ये देख थाना प्रभारी ने कहा, यदि तुम लोग आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। ये देख बोगी कछारी नामक सिपाही ने गोलियां चला दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर ली, दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, जिससे दोनों की वहीं मृत्यु हो गई और काफी लोग भी घायल हुए। परंतु वहां मौजूद क्रांतिकारियों ने जब देखा कि गोली लगने के बाद भी कनकलता के हाथ से तिरंगा नहीं गिरा तो उनका जोश बढ़ गया और उन्होंने थाने को घेर कर गोलियों की परवाह ना करते हुए थाने पर कब्जा कर लिया और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया और इस तरह कनकलता ने अपनी जान गंवाकर लोगों में क्रांति की ज्वाला चलाई। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ इंडिया और कमेंट करके बताइए कि आप किन महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं।